हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जशी टैरेट। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, उनकी जो भावनाएं हैं वो क्या हैं, क्या कुछ चेंजेस आए हैं। तो आप लोग अपने अपने पर्सन को ध्यान कर लें, उनका नाम मन में ले लें ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो सकें। जिसे भी जिसको भी मन में रखे आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल विद सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली है, बहुत बहुत ज़्यादा किसी पेनफुल एनर्जी में है आपके पर्सन। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं होंगी। उनके शायद कुछ ऑप्शन उनके सामने शायद रखे गए हैं जिनके साथ लेकर वो एक क्लियर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपको खोना नहीं चाहते हैं, फैमिली की मान नहीं सकते हैं, या करियर को छोड़ नहीं सकते, आपको भी छोड़ नहीं सकते। करें तो करें क्या, फैमिली इशू है तो फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, करियर इशू है तो करियर को भी नहीं छोड़ सकते, आपको भी नहीं छोड़ सकते। मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक कुछ लोगों के पर्सन के यहाँ पर हेल्थ इशूज़ भी आ रहे हैं, जो कि मुझे मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन के यहाँ पर हेल्थ इशूज़ भी चल रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन की फाइनेंस काफ़ी ख़राब चल रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के पर्सन की फाइनेंस एक मेन प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों को एक होने में, रीयूनियन जो भी है, हो सकता है कि आप लोगों का कमिटमेंट इसीलिए ना बन पा रहा हो, शादी इसीलिए ना हो पा रही हो, ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं आपको लेकर, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हर हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। किसी ना किसी तरीके के ट्रिगर से गुजर रहे हैं वो, कोई ना कोई ट्रिगर उनको ऐसा मिल रहा है, फैमिली है, करियर है, कहीं से भी उनको ऐसा ट्रिगर मिल रहा है। कोई फीमेल डोमिनेटिंग पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसे भी थर्ड पार्टी मानते हो, फैमिली है, करियर है, कुछ भी है, उसका जो है वो कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिखाई दे रहा है, शायद वो अपने इशारों पर नचाना चाह रही है आपके पर्सन को। वो कोई भी हो सकता है उनके उनकी पर्सनल लाइफ में, जिसके वजह से आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर से गुजरना पड़ रहा है, हैवी एनर्जी से गुजरना पड़ रहा है। नहीं समझ पा रहे मैं क्या करूँ, इतना बड़े एक ट्रैप हो गए हैं, जंजाल में फंस गए हैं कि वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ। आपके लिए वो उतना ज़्यादा पॉजेसिव हैं, आपको हर हाल में नहीं छोड़ सकते हैं, खो नहीं सकते, उनकी सुन नहीं सकते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ, ऐसे वाले हाल, वो बहुत फीलिंग्स जो हैं उनकी बहुत लो एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन लो एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो बेड़ा ही गर है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। एक होता ना होपलेस होते हुए इंसान दिखाई दे रहे हैं। ओके, वाओ, एट ऑफ स्ट्रेंथ आया है, थ्री ऑफ कप्स आया है, फोर ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ सॉन्ड। आपके साथ बहुत 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 तेज़ी से अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने बहुत फास्ट मोमेंट अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपके साथ मेरी चीज़ें ठीक हो जाएं, हम एक हो जाएं, हमारा रीयूनियन हो जाए, हम वापस से एक दूसरे के साथ हो जाएं, हमारी चीज़ें ठीक हो जाएं, हमें जितने भी प्रॉब्लम से गुजरना है वो गुजर कर हम दोनों एक हो जाएं। ओके, एक हो जाएं, एक दूसरे के साथ हो जाएं, मिल जाएं, ठीक हो जाए सब हमारे बीच में। ये सिचुएशन है यहाँ पर आपके पर्सन की। उनके मन में कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि आपको खोने का डर जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर। स्ट्रेंथ, साहस बनाए रखे हैं, अपनी हिम्मत जुटाए रखे हैं कि मुझे किसी भी कीमत पे अपने पर्सन को खोना नहीं है। एट और एट की एनर्जी आई है, तो स्ट्रगल भी चल रहा है उनका और सक्सेस भी चाहते हैं। तो ये स्ट्रगल एंड सक्सेस दोनों का ही कार्ड है, आपको परेशानियां भी देगा लेकिन अगर आप डटे रहे तो आपको सक्सेस भी देगा। आजमाने का कार्ड है, आजमाएगा आपको कि आप कितना पानी में हैं। तो आपके पर्सन को भी हो सकता है डिवाइनली उनके टेस्ट चल रहे हों कि देखते हैं ये इस रिलेशनशिप को कितना आगे खींच सकते हैं, कितना जो है समझ सकते हैं, कितना इनके अंदर झेलने की ताकत। यूनिवर्स भी चेक करते हैं ना कि आप में कितना पोटेंशियल है चीज़ों को संभालने का, हैंडल करने का। और वैसे भी ये सिचुएशंस जो होती हैं वो इतनी इजी नहीं होती, आपको अपने आप को स्टैंड करना ही पड़ता है, हिम्मत जुटानी ही पड़ती है चीज़ों को लेने के लिए। तो यहाँ पर हिम्मत जुटाते हुए अपने आप को समझाने की कोशिश में हैं कि मेरे साथ मेरे पर्सन एक हो जाएंगे, हम दोनों एक हो जाएंगे, एक दिन हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, खोने से भी आपको डर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पर्सन जो है कहीं और चला जाए, मैं समय पे नहीं पहुंची या नहीं पहुंचा तो मेरा पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाए, या कमिटमेंट इशू है तो वो कहीं और कमिटमेंट चला जाए, थर्ड पार्टी के साथ शादी ना हो जाए, मेरे साथ शादी ना हो, बहुत सारी खिचड़ी पक रही है उनके माइंड में।
बहुत ज़्यादा उनके साथ जो चीज़ें हैं वो सड़न 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 हो जा रही हैं, जो कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। सडन चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, उनको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मनी लॉस हो रहा है या घर में झगड़ा हो रहा है या कोई फीमेल है जो डोमिनेट कर रही है। सडन चीज़ें उनके साथ इतनी जल्दी जल्दी हो रही हैं कि उनको समझने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करूं। इसी की वजह से उनकी जो ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक में है कि मेरी जो चीज़ें हैं जिन्हें मैं पाना चाहता हूं या चाहती हूं, इनके लिए मैं कितने भी एफ़र्ट्स डालूं, मेरे एफ़र्ट्स लॉस में जा रहे हैं, मेरे एफ़र्ट्स ख़राब हो जा रहे हैं। कहीं एक चीज़ सुधरती है तो एक बिगड़ जा रही है, एक चीज़ बन रही तो एक बिगड़ जा रही। ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही विद, अब मैं क्या कहूँ। थ्री ऑफ सॉर्ड विद एट ऑफ वॉन्ड, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, और एट एट की एनर्जी यहाँ पर आ गई है, तो आपके लिए एट नंबर काफ़ी ज़्यादा लकी हो सकता है और थ्री नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हो सकता है। आपको 3 दिन 3 घंटे या 3 हफ्ते बहुत लकी हो सकते हैं, 8 दिन 8 घंटे और 8 हफ्ते काफ़ी लकी हो सकते हैं कि आप लोग वापस से आप लोगों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पर आपके पर्सन जो आपको डेफिनेटली आपको कैच करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में मूवमेंट करना चाहते हैं, बट हो सकता हो यहाँ पर आपने ब्लॉक कर रखा हो, इसके वजह से हर्ट हैं कि कम्युनिकेशन आपका उनका हो नहीं पा रहा, बात वो अपनी दिल की बात आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन जो ठीक करना चाहते हैं वो ठीक नहीं हो पा रही, स्ट्रक इतने ज़्यादा हैं, आसपास का माहौल इतना ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा बेकार है कि वो किसी से अपने दिल की बात कही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस ऊर्जा में हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। करूँ तो क्या करूँ, ये जो ऊर्जा है ये काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। लॉसेस, हम लॉस ही लॉस देखते चलते हैं, लॉस ही लॉस हम संभालते हैं, क्या करें हम बताएं। आपके पर्सन भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं और हो सकता हो फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब हो। यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकते हैं फाइनेंशियली लॉस चल रहे हो, हेल्थ उनकी डिस्टर्ब चल रही हो और कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिगर उनको मिल रहे हैं उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली से, उनके करियर से, किसी सी चीज़ से, डिवाइन की तरफ से, जिसकी वजह से आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हो सकता हो मिलने का भी उनका मन कर रहा हो, कुछ मूवमेंट चाह रहे हैं आपके साथ, बट हो सकता हो आपने यहाँ पर ब्लॉक कर रखा हो तो कोई कम्युनिकेशन का जरिया ही ना मिल पा रहा हो उन्हें, इसके वजह से भी यहाँ पर हर्ट दिखाई दे रहा है कि बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ बट मुझे कोई ज़रिया तो मिले जिससे मैं अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ। तो आपके पर्सन ओवरऑल आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, मिस कर रहे हैं आपको, यहाँ पर कंफ्यूजन की एनर्जी है, प्रायोरिटी की एनर्जी है, किसे प्रायोरिटी दूं, किसे छोड़ूं, क्या पकड़ूं, क्या हटाऊं, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन। फिर भी स्ट्रेंथ जुटाए हुए हैं कि मेरा पर्सन जो है मुझे मिल जाएगा, एक हो जाएंगे हम, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हट जाएंगी, छट जाएंगे, जो दुख के बादल घिरे हुए हैं एक दिन छट जाएंगे। तो ये आपके पर्सन के कुछ करंट फीलिंग्स हैं, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, थी था पे बिल्कुल भी ना जाया करें, ये आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आप किसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग है तो हमें बोलना होता है थी या था, ओके। तो ये आप उस पर तो बिल्कुल भी ना जाएं, और आप इसे कभी भी देख सकते हैं क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते रहें, ओके। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।